फ्रेंड्स और मैं आपकी दोस्त नेहा आलवी आज हम आपके लेकर आए सुंदर सी फ्रॉक की फ्रॉक हमने बनाई है 4 से 5 साल की बच्ची के लिए और इसको बनाने के लिए हमारा 1 मीटर फैब्रिक यूज हुआ है। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों फ्रॉक की कटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले कि ये हमने पीस लिया है बेल्ट के लिए, तो इस वाले पीस को साइड पे रखेंगे अभी और हमारी जो फ्रॉक है फ्रॉक की कटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम कट करेंगे टॉप पार्ट, तो यहाँ से इन वाले पीस को हम अलग कर देंगे। ये वाला पीस लिया है हमने टॉप के लिए, तो चलिए इसकी मार्किंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट है हमारा, देखिए यहाँ से लेंथ हमने रखी है इसकी, यहाँ से देखिए 11 इंच हमारी लेंथ है और विड्थ है हमारी यहाँ से इसकी 20 इंच हमारी विड्थ है। और सेम मेजरमेंट में दो पीस हमने कट किए हैं, इन दोनों पीस को हम फोल्ड करेंगे देखिए इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको मार्क किया और अब इसका मेजरमेंट शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मार्क लेंगे शोल्डर का, तो शोल्डर होंगे हमारे यहाँ से 5 इंच पर। ये हमारे शोल्डर का मार्क है और आर्म सोल का मार्क लेंगे हम यहाँ से 5.2 इंच पर हमारे आर्म सोल का मार्क होगा। और अब मार्क करेंगे हम चेस्ट का, तो देखिए जो हमारी चेस्ट है चेस्ट हम रखेंगे यहाँ से 6 इंच पर। और कमर का जो मार्क है वो हम रखेंगे यहाँ से 5.5 इंच पर। इस तरीके से मार्किंग की और अब यहां से मार्क करेंगे शोल्डर का। देखिए ये जो हमारा टॉप पार्ट है टॉप पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है और अब मार्किंग करेंगे हम नेक की, तो नेक की जो हमारी विड्थ है वो हम रखेंगे यहाँ से 2 इंच पर। ये हमारी नेक की विड्थ है और जो हमारा नेक होगा उसकी लेंथ हम रखेंगे यहाँ से 3.2 इंच पर। और बैक साइड का जो नेक है उसकी लेंथ रखेंगे हम यहाँ से 2 इंच पर। मार्किंग करने के बाद अब इसकी कटिंग शुरू करेंगे। देखिए यहाँ का मार्किंग करने के बाद अब दोनों पीस को हम अलग करेंगे यहाँ से। टॉप पार्ट की कटिंग के बाद हम कट करेंगे स्लीव्स, तो स्लीव्स के लिए हमने ये वाला पीस लिया है और इसका हमारा मेजरमेंट है देखिए। लेंथ हमने रखी है इसकी 8 इंच पर और विड्थ है हमारी यहां से इसकी 15 इंच हमारी विड्थ है। और सेम मेजरमेंट में दो पीस हमने कट किए हुए हैं, तो इन दोनों पीस को हम फोल्ड करेंगे। आर्म सोल का मार्क है, आर्म सोल का मार्क हमने रखा था यहाँ से 5 इंच पर, तो यहां से भी हम इसको 5 इंच पर मार्क करेंगे। और जो हमारी मोहरी है मोहरी का मार्क हम रखेंगे यहाँ से 4 इंच पर। देखिए ये हमारी स्लीव्स है, स्लीव्स की हमने कटिंग की है, तो चलिए अब कट करेंगे बॉटम पार्ट। तो इसको रखेंगे अभी साइड पे और लेंगे अपने बॉटम पार्ट के लिए पीस।
ये हमने बॉटम पार्ट के लिए लिया है और इसका हमारा जो मेजरमेंट है वो हमने रखा है। देखिए यहाँ से लेंथ हमने रखी है इसकी, यहाँ से 20 इंच पर हमारी लेंथ है और विड्थ हमने रखी है यहाँ से 22 इंच पर, और सेम मेजरमेंट में दो पीस हमने कट किए हैं। इन दोनों पीस को अब हम फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ से दोनों पीस को हमने फोल्ड किया और इसको अभी एक बार हम यहाँ से नाप लेंगे। देखिए ये हमारी कमर का जो हमारा मार्क है वो यहाँ तक है, यहीं तक हम इसको मार्क करेंगे, और ये वाला जो हमारा मार्क है इसको लेंगे हम इस तरीके से। ये इस तरीके से हमने इसको मार्क किया और अब यहाँ से ये वाला जो हमारा मार्क है इसको लेंगे हम यहाँ पर। देखिए इस तरीके से हमने इसकी जो मार्किंग है वो हमने इस तरीके से की है और अभी जो मार्किंग की है इसी की हम कटिंग करेंगे। देखिए हमारा जो बॉटम पार्ट है वो कुछ इस तरीके से हमारा बॉटम पार्ट यहाँ पर कट होगा। तो ये हमारी जो फ्रॉक है, फ्रॉक की कटिंग हमारी हो गई है। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे, देखिए हमारा जो टॉप पार्ट था हम टॉप पार्ट लेंगे। ये मेरा फ्रंट वाला पीस है और ये है हमारा बैक साइड का पीस। तो यहाँ से इसको हम देखिए इस तरीके से कट कर देंगे। तो यहाँ से इसको हमने कट किया, ये बैक साइड वाला पीस हम तैयार करेंगे बाद में। तो लेंगे पहले अपना टॉप वाला पीस। टॉप पार्ट के लिए हमने ये वाला जो पीस होता है ये लिया हुआ है और इसका हमारा मेजरमेंट है, देखिए लेंथ है हमारी यहाँ से 12.5 इंच पर और विड्थ है यहाँ से हमारी 14 इंच हमारी विड्थ है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम फोल्ड करेंगे और अब यहाँ से एक बार इसको फोल्ड किया। ये हमने यहाँ से फोर्थ फोल्ड किया है, अब इसको रखेंगे नेक के ऊपर। इस तरीके से हमने इसकी मार्किंग की और अब यहाँ से इसके हमारा जो विड है वो हम रखेंगे यहाँ से 3 इंच पर। और अब ये जो हमने मार्किंग की है इसी की हम कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर नेक के दो पीस जो है ये कट हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये वाला जो हमारा साइड है, देखिए ये बाहर वाली जो हमारी साइड है इसी के ऊपर यहाँ पर लगाएंगे हम एक सिलाई। देखिए यहाँ पे इसको हमने सिलाई लगाकर तैयार कर दिया है और अब हम इसको पलट लेंगे। और देखिए इसको पलटने के बाद अब क्या करना है, एक सिलाई हम यहाँ लगाएंगे इसके ऊपर। देखिए यहाँ से इस तरीके से हमने इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको तैयार कर दिया है और अब लेंगे हम अपना फ्रंट वाला पीस। देखिए यहाँ से हम अपना फ्रंट वाला पीस लेंगे और यहाँ पर रॉन्ग साइड की तरफ इसको रखेंगे और अब इसके ऊपर लगाएंगे एक सिलाई। कि यहाँ पर इसको हमने ऐड कर दिया है और अब यहाँ पर लगाएंगे हम कट्स। कट्स लगाने के बाद इसको पलट लेंगे हम राइट साइड की तरफ। इस तरह पलटने के बाद अब इसके ऊपर लगाएंगे एक सिलाई। देखिए इस तरीके से हमारा जो फ्रंट वाला नेक है बनकर तैयार है और इसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेंगे अपना बॉटम पार्ट। ये हमारा बॉटम पार्ट है तो इसका हम एक पीस लेंगे और यहाँ से देखिए इन दोनों पीस को मिलाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। देखिए हमारा जो फ्रंट वाला पीस है यहाँ तक बनकर तैयार है और अब हमें क्या करना है,
सबसे पहले लेंगे हम अपना देखिए बॉटम पार्ट। यहाँ से हमारा जो बॉटम पार्ट है हम ये लेंगे और बॉटम पार्ट को अब यहाँ से फोल्ड कर देंगे। तो देखिए यहाँ से हमारा जो फ्रंट वाला पीस है तैयार है और इसके बाद लेंगे अपना बैक साइड वाला पीस। तो यहाँ से दोनों पीस को मिला लेंगे देखिए इस तरीके से। और दोनों पीस को मिलाने के बाद दोनों शोल्डर सिलकर तैयार करेंगे और इसको एक बार पलट लेंगे और यहाँ से ये जो हमने फिटिंग का मार्क किया हुआ है ये इसी के ऊपर लगाएंगे फिटिंग की सिलाई। देखिए यहाँ से हमने दोनों साइड पे फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको तैयार कर दिया है और अब हम लेंगे अपनी स्लीव तैयार करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम देखें हमारी जो मोहरी है मोहरी को हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हमारी जो मोहरी थी मोहरी को हमने फोल्ड कर दिया है और अब इसको हम इस तरीके से कर रखेंगे। और यहाँ से हमारे देखिए फ्रॉक है इसके आर्म होल को हम यहाँ से नाप लेंगे। ये हमारे यहाँ तक आया है और अब यहीं पर लगाएंगे सिलाई। देखिए यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको पलट लेंगे और इसको पलटने के बाद डालेंगे आर्म होल के अंदर। और अब यहाँ से देखिए दोनों जॉइंट को मिलाएंगे इस तरीके से और यहाँ से देखिए दोनों जॉइंट्स को मिलाने के बाद अब इन दोनों को मिलाकर यहाँ से लगाएंगे इसके ऊपर सिलाई। फ्रॉक हमने बनाकर तैयार कर दी है और उसके बाद हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट के लिए हमने ये वाला पीस लिया है और इसका मेजरमेंट है हमारा देखिए यहाँ से वीड हमने रखी है इसकी 5 इंच पर और लेंथ है हमारी यहाँ से इसकी 27 इंच हमारी लेंथ है। और अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद इसको अब यहाँ पर लगाएंगे हम एक सिलाई। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको तैयार कर दिया है, हमने एक पेंसिल ली है पेंसिल की हेल्प से इसको हम पलट लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ से इसको हमने पलट दिया है और अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर लगाएंगे देखिए इसकी चारों तरफ पर हम एक पैर के गैप में सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। देखिए यहाँ से हमारी जो बेल्ट है बेल्ट के ऊपर हमने सिलाई लगाकर तैयार कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम इस तरीके से रखेंगे यहाँ से इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर लगाएंगे हमें दो हुक लगाकर इसको तैयार कर देंगे। तो हमारी जो फ्रॉक है बनकर तैयार है और इसी के साथ देखिए यहाँ पर ये बेल्ट जो थी बेल्ट पे भी हमने हुक लगाकर इसको तैयार कर दिया है। अब ये बेल्ट हमारी यहाँ पर इस तरीके से यूज होगी, यहाँ से इसको हम इस तरीके से। तो देखिए हमारी जो फ्रॉक है बनकर तैयार है। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे हम आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।